दोस्तों आज मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल के ऐप पर अपना फ़ोटोज़ कैसे लगा सकते हैं और उसमें भी बेस्ट तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए और उसमें कैसे यूज करते हैं और उसमें लगाने का तरीका क्या है, इन सभी के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका नाम है सुपर लॉन्चर। इसे आप टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे इसकी सेटिंग सारी चेंज हो जाएगी। हो जाने के बाद आप किसी भी ऐप पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं फेसबुक के आइकन पे मैं टच करता हूँ, ठीक है। यहाँ से एडिट वाले आइकन पे टच करेंगे, यहाँ से तीन ऑप्शन दिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का आइकन लगा हुआ है, यहाँ पे अपना आइकन लगा सकते हैं, यहाँ से फेसबुक का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फेसबुक के आइकन पे टच करता हूँ, ठीक है, तो ये पेंसिल वाले आइकन पे टच करना है और 1 2 3 4 नंबर पे टच करना है आपको। करने के बाद यहाँ से गैलरी खुल चुका है, यहाँ से गैलरी पे आएंगे, आप अपना जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं चलिए एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, देख सकते हैं अब सिलेक्ट कर लिया हूँ और सेट डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। और फिर यहाँ पे टच करना होगा आपको और यहाँ से ओके कर देना है। और ओके कर देने के बाद यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से डन कीजिए और डन करने के बाद देख सकते हैं कि फेसबुक के आइकन पे मेरा लग चुका है, यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं फेसबुक के आइकन पे मेरा फ़ोटो लग गया। और इसमें आप जहाँ पर जिसमें भी लगाना चाहते लगा सकते हैं, किसी में भी, या पूरा में लगाना चाहते तो पूरे में लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से कैसे आप अपने आइकन पे लगा सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब जो भी ऐप्स हो उस पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हैं वीडियो। और इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी टेक्निकल का फ़ायदा उठाएँ।